19, 25, सेम जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से देख के आप क्लियर बना सकते हो उसको। अपने को थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, ये देखो ये आ गया 60। तो ये पार्ट अपने क्या ले लेंगे, ए पार्ट ले लेंगे, ठीक है। जीरो ओ से लेके अपने को कहां तक जाना है, ए पॉइंट तक जाना है, लेकिन बीच में अपने कहां रुक गए, देखो यहां मान लो क्या है, सी पॉइंट है, यहां मान लो क्या है, बी पॉइंट है। वापस आओगे ए से बी और बी से सी, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने को क्या कहना है कि आपको ओ से ए तक जाना है और ए से वापस कहां तक आना है, सी तक आना है। कहां से जाओगे, ओ से कहां तक जाओगे, पूरा ए तक, ठीक है, यूं बना दो। और फिर ए से क्या हुआ, आप वापस चले कहां तक, सी तक। तो कोई आपको कह दे कि इसकी जो दूरी है वो ज्ञात करो, तो कुल दूरी क्या करोगे आप लोग, इसको जोड़ दोगे, जोड़ो दूरी और विस्थापन में अंतर चल रहा है, ये उसी का एग्जांपल करवा रही हूं मैं आपको। देखो काउंट करो, ओ से लेके ए तक क्या है, तो लिखो ओ ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ए से कहां तक चला ये वापस, सी तक। तो ये क्या हो जाएगा, सी। देखो दोबारा देख लो, ओ से ए तक, ए से कहां तक चला है, सी तक। तो काउंट करो ओ से ए तक कितना अपने पास दूरी, 60 किलोमीटर कह लो या सीधा 60 लिख लो, ठीक है, चलो किलोमीटर साथ में डाल ही देते हैं, 60 किलोमीटर प्लस ए से कहां तक चला है, सी तक चला है। तो अपने बीच में गैप कितने का है, 5 5 के, तो काउंट कर लो 5 10 15 20 25 30 और 5 35। तो ये कितना गैप है अपना, 35 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां इसको जोड़ दो, प्लस में आ क्या आएगा, 35 किलोमीटर। तो देखो यहां पे अपनी कुल दूरी कितनी आ गई, जोड़ दो इनको, 6 और 3 95 किलोमीटर, कितनी आ गई, 95 किलोमीटर कुल दूरी। अब अपने को क्या कह दे कि विस्थापन ज्ञात करना है, ये तो चलो आ गई दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी मैंने आपको सिखा दी एक बार। अब कोई कह दे कि आपको विस्थापन ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या कह दे कि कहां से चल रहा है, ओ से ए तक चल रहा है, लेकिन ए से कहां तक आ रहा है वापस, सिर्फ बी तक आ रहा है, ठीक है, पहले कहां तक जा रहे थे, सी तक जा रहे थे। तो मैंने आपको दूरी ज्ञात करके बता दी कैसे करना है। अब विस्थापन और दूरी दोनों ज्ञात करो, कंडीशन क्या है, ओ से ए तक जाएगा और ए से कहां तक आएगा, बी तक, बी पर रुका हुआ है अभी वापस नहीं पहुंचा। तो करो यहां पे पहले विस्थापन निकाल लेते हैं, देखो ओ से ए तक गया, लेकिन ए से वापस कहां आ गया, बी तक आ गया। तो न्यूनतम दूरी अपनी कहां से कहां तक होगी, न्यूनतम दूरी तो यही होगी, क्योंकि अपने जो हमारे घर है, घर से आप कितनी दूरी पे खड़े हो, बी पॉइंट पे खड़े हो, तो आपकी न्यूनतम दूरी आपके मूल बिंदु से, आज इसको मूल बिंदु कहा जाता है, जो अपना मेन पॉइंट जो होता है ना, जहां से अपनी दूरी नापते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से कितनी दूर हो आप, बी पॉइंट तक दूर हो, तो देखो कितना अपना मान, 35 किलोमीटर दूर हो। इसके सीधी सीधी क्या आ जाएगी अपने पास, विस्थापन इसका 35 किलोमीटर आ जाएगा। अब कोई कहे कि इसी जो है कंडीशन को लेते हुए दूरी ज्ञात कर दो, तो देखो दूरी और विस्थापन बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। देखो ओ से लेके कहां तक चले, ए तक, लिखो। फिर ए से कहां तक चले, बी तक, लिख दो बी तक। ओ से ए तक दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, प्लस ए से बी तक काउंट करो 5 10 15 20 और 25, 5 5 का गैप है, इसलिए 5 5 के गैप में ले लिया। अब इसको जोड़ो कितना आया, 85 किलोमीटर। अब देखो अपनी दूरी कितनी आ गई, 85 आ गई, लेकिन विस्थापन कितना आ गया, 35 आ गया। बराबर है क्या दोनों, नहीं है बराबर, नहीं है। ये तो आपने पास आ गई फर्स्ट कंडीशन कि बराबर नहीं है, ठीक है। अब अपने सेकंड करते हैं,
चले, लेकिन महासेठ ने कहा आ जाएंगे अपने पूरे मूल बिंदु पर आ जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। आप अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हो वही नाप भी जाएगी। ये कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से चल के आए हो, कहाँ आपने कितने चक्कर लगाए हैं। तो देखो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी देखते हैं। अपनों ने कंडीशन दे दी तीसरी बार में कि ओ से कहां तक चलता है, ए तक चलता है, और ए से वापस कहां पहुंच गया, ओ तक पहुंच गया। मतलब यहां से कहां पहुंचा, पूरा वहां तक, और वहां से क्या आ गया, पूरा यहां तक वापस भी आ गया। तो करो कुल दूरी क्या आ जाएगी, ओ ए प्लस ए से वापस कहां चला, ओ तक प्लस ए ओ। यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, 60 है, तो वापसी की दूरी भी कितनी होगी, बराबर ही होगी 60। तो 60 प्लस 60 किलोमीटर कितना हो गया, 120 किलोमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, अपना जीरो होगा। अब तो पता चले क्या होगा कि विस्थापन कितना, कैसे जीरो होगा, क्योंकि अपना मूल बिंदु कहाँ है, ओ है, तो अपने खड़े भी कहाँ पे है, ओ पे खड़े हैं, कोई दूरी है ही नहीं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, अपना जीरो किलोमीटर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि बराबर नहीं होती, सेकंड कंडीशन हो गई कि जीरो हो सकता है विस्थापन। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं अपने, थर्ड कंडीशन क्या होगी कि दोनों क्या लेंगे अपने, बराबर प्रूव करेंगे। देखो ओ से लेके कहां तक चला, ए तक चला, दूरी याद करो, ओ से कहां तक पहुंच गया, ए तक पहुंच गया, लेकिन वापिस नहीं आया, इसकी दूरी क्या होगी, ओ ए। ओ ए कितना है इसका मान, 60 किलोमीटर। तो अपने पास दूरी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। अब निकालो विस्थापन, कंडीशन याद रखना, कंडीशन मत भूल जाना कि अपने कहां से कहां तक चल रहे हैं। अब कहां से चले, जी ओ से लेके चले, कहां पर खड़े हैं अपने, ए तक खड़े हैं, तो और तो कोई रास्ता ही नहीं है, सीधी सरल रेखा में गए हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 60 है, चाहे वो न्यूनतम है चाहे अधिक है, लेकिन दूरी कितनी है, 60 ही है। इसका विस्थापन कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। देखो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, ये कंडीशन थर्ड कौन सी थी, अपनों ने इसको बराबर प्रूफ किया। सेकंड कंडीशन थी इसको अपने विस्थापन को शून्य प्रूफ किया, और जो फर्स्ट कंडीशन थी दोनों को अपनों ने प्रूफ किया कि दोनों क्या है, बराबर है? नहीं है। तो ये तो आज का अपना टॉपिक था, सरल रेखीय गति के अंदर अपनों ने किया था दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है कि जहां से अपने चले हैं वो अपनी गति, उसको मापन जो करते हैं वो क्या कहलाएगी, अपनी दूरी कहलाएगी। उसके बाद विस्थापन क्या होता है, जहां से लेके अपने जहां तक चले हैं वहां तक की न्यूनतम दूरी, बिल्कुल छोटी दूरी जो क्या होगी आपकी, विस्थापन कहलाएगी। विस्थापन की तीन कंडीशन की है कि विस्थापन दूरी क्या है, बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते, और विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन विस्थापन जो है दूरी से ज्यादा, दूरी से सॉरी बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा रहेगा या जीरो हो जाएगा। चलो आज का अपना टॉपिक हो गया, अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।